युवा शक्ति में सर्वाधिक ताकत होती है और ये ताकत कुछ भी कर सकती है। ये बात प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय के संयुक्त निदेशक डॉक्टर प्रमोद चौहान ने सोलन के संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित NSS शिविर के दौरान कही। 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना के 3रे दिन के सत्र में डॉक्टर प्रमोद चौहान बतौर मुख्य अतिथि व मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। सोलन के संस्कृत महाविद्यालय में NSS शिविर के दौरान डॉक्टर प्रमोद चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर प्रमोद चौहान ने चिंता जताई कि देश की युवा पीढ़ी नशे के दलदल में फंसती जा रही है, जो गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले युवा पीढ़ी को नशे के दलदल से बचना होगा, ताकि उनके उज्जवल भविष्य का निर्माण हो सके। डॉक्टर प्रमोद चौहान ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पंजाब की तरह नशा प्रदेश को भी खोखला कर रहा है। नशा मौजूदा समय में एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, लेकिन सरकार इसको समाप्त करने के प्रति गंभीर है। यदि छात्र वर्ग सामाजिक सरोकार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे तो इस बुराई से पार पाना मुश्किल नहीं है। इस दौरान उन्होंने NSS के मूल्यों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि NSS के छात्रों की अलग पहचान होती है, इससे विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास होता है। प्रमोद चौहान ने कहा कि भारत युवाओं का देश है, जो देश की तरक्की के लिए शुभ संकेत है। हमारे इस देश में हमारे जो युवा है उनको बचाने का, उनको इस नशे की गिरफ्त से दूर करने का, क्योंकि अगर हमारे युवा जिनमें इतनी युवा शक्ति है जो कि समाज के निर्माण के लिए अपना पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती है, अगर नशे में ये गिरफ्त हो गए तो हमारे इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो सबका एक फर्ज बनता है, शिक्षक का एक फर्ज बनता है, सोसाइटी में जो पेरेंट्स है, जो कम्युनिटी में जो लोग हैं, उन सब का एक दायित्व बनता है कि इन युवाओं को एक अच्छी शिक्षा दें और इनको नशे से दूर करने के लिए आप जितना भी हर संभव कोशिश हो पाए वो आप करें। और हम भी चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में भी कई स्टेप्स ऐसे लिए हैं, हमने शिक्षा निदेशालय की तरफ से भी सभी जितने भी स्कूल और कॉलेजेस को निर्देश दिए गए थे कि नशे के खिलाफ बहुत एक बड़ा एक आंदोलन आरंभ करना है, और उसमें युवाओं को जागृत करने के लिए तरह तरह की एक्टिविटीज, तरह तरह की जो उनको जागृत करने के लिए जो प्रोग्राम वो किए जाने चाहिए। और हमने एक निर्देश और भी दिया था कि हर कॉलेज और हर स्कूल में एक एंटी ड्रग जो क्लब या एसोसिएशन वो भी कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए, ताकि हम अपने बच्चों को इनसे नशे के दुष्प्रभाव से हम रोक सकें। सिटी चैनल के लिए सोलन से सोम मेहता की रिपोर्ट।